नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की कचौरी। कभी भी चटपटा खाने का मन हो सर्दियों में या गर्मियों में, तो हम घर पर मूंग दाल की कचौरी बना सकते हैं। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता और फूली हुई कचौरी बनेगी। सबसे खास बात यह है कि मूंग दाल की कचौरी आप अगर घर पर बनाएंगे तो आप उसमें मनपसंद मसाले डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, नमक मिर्च। तो चलिए आइए बनाते हैं मूंग दाल की कचौरी। तो देखिए, हमने ये 800 ग्राम मैदा ले ली है, ये 1 किलो से थोड़ी कम है। और अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो नमक हमने इसमें 1.5 चम्मच डाला है। और उसके बाद हमें मोयन के लिए डालना है घी। तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी डालने से अधिक खस्ता कचौरी बनेगी। यह हमने 1 कटोरी घी डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में घी को हल्का गरम कर लेना है, उसे मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसमें डालना है। और गर्मियों में हम पिघला हुआ घी डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। अब इस घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आटा इस तरीके से बंध जाना चाहिए, इतना ही मोयन डालना है इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाएंगे। सॉफ्ट आटा लगाना है हमें। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा लगा लेना है हमें। इसे अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और लास्ट में इसके थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर के लिए आटा सेट हो जाएगा। कचौड़ी के लिए हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है, तो थोड़ी सी देर इसे फूलने के लिए रख देते हैं। और हमने ये मूंग दाल कचौड़ी के लिए 3 घंटे पहले मूंग की दाल को भिगो कर रख दिया था। तो देखिए, ये मूंग की दाल भीग गई है और ये टूटने भी लग गई है। हमने इसे 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 1.5 कटोरी दाल है और अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे, छान लेंगे। मैं अब इस दाल को अच्छे से एक बार और धो लेंगे। अब इसमें से हम आधी दाल तो हम इसमें निकाल लेंगे, हमें साबुत रखनी है। और ये जो आधी दाल है हम इस जार में डालेंगे और इसे हमें हल्का दरदरा करना है, यानी बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, दरदरा सा करना है ताकि अच्छा फ्लेवर आए मूंग दाल कचौरी का। तो हमें मिक्सी को सिर्फ 1 या 2 बार हल्के से चला लेना है। तो देखिए, हमने ये दाल को दरदरा सा कर लिया है। और अब हम मूंग दाल कचौरी के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो हमने ये मूंग दाल कचौरी के लिए तैयारी कर ली थी पहले से ही। तो अब स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें डालना है अब तेल। तो हम इसमें डाल रहे हैं ये 1.5 चम्मच तेल डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें बेसन भी सेकना है और वो तेल ऑब्जर्व कर लेता है। अभी इसमें डालेंगे, तेल हल्का गर्म होने पर इसमें जीरा डालेंगे। ये 1 चम्मच जीरा डाला है हमने। और अब इसमें डालेंगे हम कुटी हुई सौंफ, ये 1.5 चम्मच सौंफ डाली है। तेल को हल्का गर्म ही रखना है। और ये 1.5 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया, उसको हमने अच्छे से कूट लिया था। और ये काली मिर्च और 2 लौंग है, वो हम डाल देते हैं इसमें। गैस को हमें कम ही रखना है। और अब इसमें डालेंगे हम हींग। हींग अच्छे से डालनी है इसमें खुशबू के लिए। 1.5 चम्मच हींग डाली है, थोड़ा सा चला लेंगे इसे। और ये अदरक कुटी हुई छोटा टुकड़ा। अब इसमें डालना है हमें बेसन। बेसन डालना हमें कचौरी में ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सारे मसाले को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, ये सॉक कर लेता है। इसे हम बिल्कुल गैस को कम रखना है और इसे अच्छा सेक लेना है। यह हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। गैस को हमें कम ही रखना है और इसे हल्की खुशबू आने तक सेकना है। और उसके बाद हमें इसमें मसाले भी डालने हैं। तो ये बेसन हल्का सिक गया है और देखो ये फूल भी रहा है। हम इसमें मसाले डाल देते हैं ताकि मसाले भी साथ साथ हमारे पक जाएं। तो इसमें सबसे पहले डालना है 1/2 चम्मच हल्दी। और इसमें डालना है मिर्च।
यह हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच घर पर पिसी हुई और 0.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अच्छी खटाई रहेगी इसमें। मिक्स कर लेते हैं मसालों को और इसमें डाल रहे हैं अब हम कस्तूरी मेथी और इसको हमने अच्छे से क्रश करके डाल दिया है, ये 1.5 चम्मच है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें डालना है 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। ये इतने मसाले डाले हैं उसका कड़वापन दूर करने के लिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इसमें। और अब इसमें हमें डालना है दाल। सबसे पहले ये मिक्सी में दरदरी की हुई दाल है वो डाल लेते हैं हम, और साबुत दाल भी रखी है हमने, और ये साबुत दाल अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इस दाल को भी 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। तो हमें ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और गैस को हमने बंद कर दिया है। लास्ट में हम ये हरी धनिया की पत्ती भी डाल लेते हैं इसमें। ये मूंग दाल की स्टफिंग तैयार है और अब हम कचौरी बनाएंगे। ये देखिए आटा बिल्कुल सही हो गया है, इसे और अच्छे से मैश कर सकते हैं हम। स्टफिंग है इसकी, हम बॉल्स बना लेते हैं। हमें जितनी कचौरी बनानी होती है उसे नींबू के आकार की हम इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे ताकि फटाफट हम कचौरी में मसाला भरते जाएं। तो देखिए हमने ये मूंग दाल कचौरी के लिए हमने ये भरने के लिए छोटी छोटी बॉल्स बना ली है और अब हम ये आटे की बॉल्स भी बनाएंगे और इसमें भरेंगे। ये हम इससे जो हमने ये बॉल्स बनाई है उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे हम। देखिए ये हमने बॉल्स बनाई है उससे थोड़ी बड़ी लोई लेंगे और इसको हम गोला कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे हाथों से। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। ये हम बॉल्स रखेंगे इस तरीके से और इसको हमें बंद कर लेना है। इसको दबाते हुए प्रेस करेंगे तो ये बीच में से मोटा रहना चाहिए और किनारी से पतला, अच्छे से पैक कर लेंगे और इसे दबाकर प्रेस कर लेंगे। अब ये दूसरी बनाएंगे और इसको भी इस तरीके से हम लोई को फैला लेंगे और ये हम एक बॉल्स डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे, इसे दबाकर प्रेस कर लेंगे हम। इसी तरीके से हम सारी कचौरी के लिए मसाला भर लेंगे और ये हमने तेल भी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का ही गरम करना है कचौरी के लिए। अब कढ़ाई में छोटा टुकड़ा डालकर देखेंगे और ये हल्के बबल्स आ रहे हैं, तेल हल्का गरम हो गया है और अब इसमें हम कचौरी डाल देंगे। गैस को हमें कम ही रखना है और कचौरी डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, 10 से 15 मिनट, और ये हल्की हल्की थोड़ी देर में फूलने लग जाएगी, उसके बाद हमें इसे पलटना है। तो देखिए ये कचौरियाँ फूल गई है और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमें थोड़ी देर बाद गैस को फुल कर लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। दूसरी बार कचौरी तलते समय हमें फिर से गैस को कम कर लेना है और इसी तरीके से हम सारी कचौरी बना लेंगे। तो गर्मा गर्म मूंग दाल की कचौरी तैयार है और ये बहुत अच्छी कचौरी बनी है। इसको तोड़ के दिखाएंगे अब आपको। ये देखिए बहुत ही खस्ता कचौरी बनी है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।